नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोगों ने अभी सुना होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, UGC जो है उसने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है साइबर सिक्योरिटी का दोस्तों, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। और दिन ब दिन इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उसके ही लिहाज से ये UG और PG के लिए फ़ाइनल ईयर के लिए कोर्स शुरू किया गया है कि आप सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं साइबर सिक्योरिटी से वाकिफ़ हों और आपको पता हो कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको साइबर सिक्योरिटी अगर पढ़ना है तो मैं आज एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जिस पर टॉपिक बाय टॉपिक जो है बहुत अच्छे नोट्स बने हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक फलक्रम आइडिया लग जाएगा कि व्हाट अबाउट द साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। आपको यहाँ पर URL में लिखना है दोस्तों w3buddy.com। आप जैसे ये लिखेंगे w3buddy.com और यहाँ आप जैसे इसके इंटरफेस पर आएंगे दोस्तों, तो आपको एकेडमिक नोट्स में आना है। और एकेडमिक नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर कुछ यूनिट वाइज इसको बनाया गया है, कोई यहाँ पर सिलेबस जो अलग अलग तरीके से अडॉप्ट किया गया होगा स्टेट्स के द्वारा, उसके तहत ही इसको बनाया गया है। आप इसके मेन फ्रेम पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट जो है ओरेकल बेस्ड भी है। अगर आप DBA में जाना चाहते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर आपका इंटरेस्ट है। हाल फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से यूनिट वन पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स, ये देखिए। और यहाँ से आप इसको अगर लॉजिकली छोटे से नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आपको एक्चुअल में नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं, वेबसाइट को मोबाइल पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप टेबल ऑफ कंटेंट देख पा रहे हैं, जिस भी जगह पर आपको जाना है, मान लीजिए आपको फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर पर आ जाएंगे, देन अब आप जो है वहाँ से इसको पढ़ना शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप ध्यान से नोट्स को पढ़िए। देखिए, लिखा हुआ है यूसेस ऑफ कंप्यूटर्स, वर्क एंड बिजनेस, एंटरटेनमेंट, लर्निंग एंड रिसर्च। ये आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर का एक्चुअल में यूज़ फ्यूचर क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एवरीडे लाइफ, और आज के जो ट्रेनीज कंप्यूटर जिन्हें हम कहते हैं टुडे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, वेयरेबल टेक। तो दोस्तों, ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाइन के जो यहाँ पर नोट्स लिखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करके एनालिसिस करके बनाए गए हैं और इनको इतना ईजी गोइंग बनाया गया है कि आप एक या दो बार अगर इनको रीड करते हैं तो आपको आसानी से जो है दोस्तों ये कंसेप्ट याद हो जाएगा। और एक्चुअल में आपको इस वेबसाइट के माध्यम से कंसेप्ट ही समझाना है दोस्तों, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ना अकेले थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए या UGC कहे तब हम इसको माने, ये हम सभी जो नेटिजन्स होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ही हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं साइबर की दुनिया शुरू हो जाती है दोस्तों। और यहाँ कैसे रहना है और किस तरीके से इसका यूज़ करना है, कैसे बिहेव करना है, आप आसानी से जो है इस वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और भी यूनिट्स हैं दोस्तों जो यहाँ पर इसमें अपडेट होती रहती हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स एंड लीगलिटीज़ पर अगर आप जाकर देखें, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इशूज़ हैं, क्या डेफिनेशन है, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन अगर होता है तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों, ये जो हमारा IT Act है 2000, इसको पढ़ने के लिए बेसिक सी चीज़ें जो है यहाँ पर दे रखी हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको बुकमार्क कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये आइडिया, ये वेबसाइट पसंद आती है, इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी लगी। इस तरीके की वेबसाइट हम आपके लिए सर्च करते रहते हैं, आप देखते रहते हैं कि यहाँ पर आपको हमेशा वो वेबसाइट मिलेंगी जो आजकल ट्रेंड में है और जिनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है दोस्तों। तो आप भी इसका यूज़ कीजिए, यहाँ से पढ़िए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपकी वेबसाइट कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।